हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आप लोगों को हम पहले ही प्रॉमिस किए थे कि एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने राउंड्स में काउंसलिंग होता है, कौन सा वेबसाइट जिसमें काउंसलिंग होगा, और ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होगा, स्टेट राउंड का काउंसलिंग कैसे होता है, कितना रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होता है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड जितने भी आपको डाउट थे तो उसका पूरा काउंसलिंग प्रोसीड्योर सिर्फ एक वीडियो में, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जनरली जानते हैं कि हम 3 से 4 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो कभी बनाया नहीं है या बनाते नहीं है, ठीक है जनरली। तो आपको ये वीडियो थोड़ा थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि कारण ये है कि आपको पूरा काउंसलिंग डिटेल एक ही वीडियो में मिल रहा है इस वजह से। और हमको लगता है कि ये तो मेरा छोटा सा एफर्ट होगा या फिर मेरे लिए तो छोटा सा बात होगा, लेकिन ये किसी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसको काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर आपको अगर काउंसलिंग के बारे में पता भी है तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए, कारण कि आपको इसमें एक जगह सब कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो और एक बात कि ये बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि किसी अदर किसी को हायर नहीं कर सकते, किसी काउंसिलर को, कि आप मेरे लिए काउंसलिंग कर दीजिए, तो उन सब स्टूडेंट के लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग रूल्स और रेगुलेशन देख लीजिए। काउंसलिंग इतना कोई बड़ा बात या कोई हार्ड चीज़ नहीं होता है, आप अगर जानते हैं उसके बारे में तो बहुत आसान है। जैसे अगर मेरा जब नीट 2021 में सिलेक्शन हुआ था, तब ऑल इंडिया का कोटा का काउंसलिंग और साथ में जो स्टेट का काउंसलिंग था, दोनों काउंसलिंग हम खुद अपने किए थे, किसी का हेल्प विदाउट किसी का हेल्प, यूट्यूब में ही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके और जितना भी ब्रोक्योर और इन्फॉर्मेशन आता था वो सब पढ़ के खुद ही से काउंसलिंग किए हैं। तो समझिए, खाली बेसिक आपको रूल्स मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये आपका नीट काउंसलिंग होगा 2023 का, तो आपका अभी नीट का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। और अब जो है स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नीट का जो काउंसलिंग होगा वो कब स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो चल रहा है, मतलब आज से 7 दिन तक, 7 दिन के अंदर ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो काउंसलिंग बॉडी है, तो नीट 2023 का जो ये काउंसलिंग है ये कौन करवाता है। तो आपका ये दो तरह का काउंसलिंग होता है, तो पहले समझिए MBBS, BDS, BSc और ये आपका जो है नर्सिंग, BSc नर्सिंग, और एक आयुष का काउंसलिंग अलग से होता है, ठीक है। आयुष का काउंसलिंग अलग से होता है आपका। तो जो बेसिकली नीट का जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पे कौन करवाता है, आपका एक आपका MCC करवाता है। कौन करवाता है? MCC करवाता है। MCC का मतलब होता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। तो ये MCC करवाता है। तो आप देख लीजिए कि MBBS, BDS और BSc नर्सिंग और साथ में VSc का काउंसलिंग कौन करवाता है, तो ये दो दो जगह में बटा हुआ रहता है, ठीक है, एक MCC और एक स्टेट काउंसलिंग। तो अब MCC में कौन कौन से MCC किस किस चीज़ का काउंसलिंग करवाएगा, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कुछ ऐसे सीट्स हैं जो 100% सीट्स में इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो वो 100% सीट का काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया के लिए वो आपका MCC करवाएगा। साथ में आपका स्टेट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, तो उसका 15% सीट पे, मतलब अगर कोई स्टेट कॉलेज में 100 सीट है तो उसका 15 सीट्स का जो काउंसलिंग है वो MCC करवाएगा। तो बाकी 85% का सीट का कौन करवाएगा, बाकी 85% सीट ये स्टेट कोटा का, वो स्टेट जो भी होता है पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि आपका झारखंड हो गया या बिहार हो गया, तो वो पर्टिकुलर स्टेट का एक अपना स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है जो वहाँ पे काउंसलिंग करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट का आपका झारखंड के लिए JCECEB होता है, ठीक है, उसी तरह बिहार के लिए BCECEB होता है, और आपका तो इसी तरह स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट होता है। सारे स्टेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं और वहां से आप चेक कर सकते हैं, वहीं पे आपका सारा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आयुष का जो काउंसलिंग है, आयुष का काउंसलिंग कौन, आयुष में आपका क्या क्या आता है, आयुष में आपका आता है BAMS आता है, BUMS आता है, BHMS आता है, BSMS। ये BAMS जो है आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, BHMS होम्योपैथिक मेडिसिन है, BSMS जो है सिद्धा मेडिसिन है, ठीक है। तो इसमें जो है आयुष का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है ना वो होता है, जैसे आपका MBBS के लिए, BDS के लिए है MCC करवाता है, तो आयुष का जो काउंसलिंग है वो आपका AACCC करवाता है, ठीक है। AACCC आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन करवाता है, AACCC।
ठीक है, उसी तरह वहां पे सेम है, जो यहाँ पे एमसीसी काम कर रहा है वो आयुष में आपका एएसीसीसी काम करेगा, ठीक है। और स्टेट का काउंसलिंग वही है, सेम कॉन्सेप्ट, 85% सीट स्टेट वाले करवाएंगे, ठीक है, 85% सीट कौन करवाएगा, स्टेट वाले करवाएंगे, और 15% सीट कौन करवाएंगे, 15% सीट जो है एक स्टेट कोटा का, वो ऑल इंडिया कोटा से एएसीसी करवाएगा। तो आयुष का जो काउंसलिंग का रिलेटेड है वो हम कोई किसी दूसरे वीडियो में हम बात कर लेंगे, ठीक है। कि अगर आपको जानना होगा आयुष का काउंसलिंग का तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो ऑन आयुष। बट इसमें बेसिकली हम एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के बारे में, फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कैसे होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है एमसीसी जो है आपका एमबीबीएस का सीट एमसीसी करवाता है। तो ये एमसीसी में कौन कौन से सीट आएंगे, तो एम्स के सीट आते हैं, तो एम्स में आप जैसे जानते हैं कि एम्स के में 100% सीट जो है वो एमसीसी ही काउंसलिंग करवाता है, तो एम्स में कोई भी सीट स्टेट कोटा स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है। दूसरा, एमसीसी जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग करवाता है, जैसे बीएचयू का, एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया का करवाता है, जिपमर का भी काउंसलिंग जो है आपका एम्स ही, मतलब कि एमसीसी ही करवाता है, ठीक है। एएफएमसी का काउंसलिंग भी आपका एएफएमसी, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग भी एमसीसी के द्वारा ही होगा। हाँ, लेकिन आपको एएफएमसी में एक बात याद रखना है कि एएफएमसी में आपका मान लीजिए सीट अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक एडिशनल क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू में आप पास होइएगा उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंटरव्यू पॉलिसी है वो इंटरव्यू वाला पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इंटरव्यू सिर्फ आपका इससे मतलब कि एएफएमसी के लिए होगा। एएमयू तो पहले ही बोल दिया, एएमयू का भी आपका वही एमसीसी करवाता है। एक दिल्ली कोटा होता है, ठीक है, डीयू कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा, ईएसआईसी कोटा, एंड दो आईपीयू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, जैसे कि वीएमएमएमसी एंड एवीएवीबी, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये अलीगढ़, मतलब नहीं, ये तो आपका अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, वीएमएमसी, ठीक है। तो ये का इसका काउंसलिंग भी एमसीसी करवाएगा, साथ में एमसीसी आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग भी करवाता है। किसका? डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग जो है एमसीसी ही करवाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए कि स्टेट में जो है ना, हर एक स्टेट का 85% का काउंसलिंग कौन करवाएगा, आपका स्टेट का एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा, वहां पे आपको काउंसलिंग होगा, ठीक है। और स्टेट का जो स्टेट कॉलेज का जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो 15% सीट है वो आपका ऑल इंडिया कोटा एमसीसी करवाता है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा स्पेयर दिखा रहा है ये ऑल इंडिया कोटा का है, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा में आपका वही एम्स आएगा, एएफएमसी आएगा, बीएचयू आएगा, जिपमर आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा, तो ये सब एम्स करवाता है, मतलब एम्स नहीं, एमसीसी करवाता है। कौन करवाता है? एमसीसी काउंसलिंग करवाएगा। और स्टेट का जो कॉलेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, ठीक है, स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, तो उनका काउंसलिंग की आपका जो 15% सीट है वो आपका ऑल इंडिया कोटा के अंदर आता है, जो कि काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा। और स्टेट 85% सीट का जो है वो स्टेट खुद करवाता है, और अपने उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट अलग होता है। सारे स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। तो अब आपको पता चल गया कि एमसीसी किस किस चीज का काउंसलिंग करवाता है। एमसीसी पर्टिकुलरली वो उन जो उन ऑल इंडिया कोटा के सीट्स का करवाता है। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके 100% सीट के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसका एमसीसी करवाएगा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का 15% सीट का करवाता है आपका ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा 85% स्टेट खुद करवाता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी एमसीसी करवाता है। अब आते हैं कि अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि एमसीसी काउंसलिंग जो होता है वो कितने प्रोसेस में चलता है, ठीक है। एमसीसी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कितना राउंड में होता है, तो एमसीसी काउंसलिंग का जो राउंड होता है आपका, ये पर्टिकुलरली कितना, 4 राउंड में काउंसलिंग होता है। कितना राउंड होगा आपका? 4 राउंड में काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, मॉपअप राउंड। ये राउंड 3 को ही आप मॉपअप राउंड बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप राउंड 1 में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राउंड 1 के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, मॉपअप राउंड के लिए कौन से एलिजिबल होंगे, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन जा सकते हैं। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा डाउट जो स्टूडेंट का होता है वो मॉपअप राउंड और राउंड 2 में होता है, तो उसको आप अच्छा से देखिएगा। और एक बात, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो, और उसके बाद भी समझ नहीं आए तो आप हमको अपना कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, अगर रिलेवेंट हुआ तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगा। तो आप जैसे कि 4 राउंड में आपका काउंसलिंग होगा,
अब देख लीजिए वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका काउंसलिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एमसीसी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये एमसीसी का रजिस्ट्रेशन साइट होता है, ठीक है। एमसीसी का रजिस्ट्रेशन साइट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, mcc.nic.in, ठीक है। क्या है mcc.nic, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और आपको जैसे बोले स्टेट 85% सीट के लिए जो है उसके लिए आपका स्टेट सेपरेट अपना ऑफिशियल वेबसाइट बनाता है, तो उसके लिए फॉर ईच स्टेट अलग होगा, उसका आपको हम मतलब डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से आप जा सकते हैं अपना स्टेट का देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, मतलब अगर कैटेगरी वाइज क्या क्या रिजर्वेशन मिलता है आपको एमसीसी जो काउंसलिंग करवाएगा उसमें, एमसीसी जो काउंसलिंग करवाएगा उसमें क्या क्या रिजर्वेशन मिलता है किस कैटेगरी नीट 2023 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये कैटेगरी दिया हुआ है, बगल में आपको ये कितना परसेंट रिजर्वेशन है। तो एससी कैटेगरी के लिए आपको क्या है, एससी कैटेगरी के लिए आपको 15% का रिजर्वेशन रहेगा ऑल इंडिया कोटा से। स्टेट कोटा में अलग स्टेट कॉलेजेस में अलग अलग रिजर्वेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एमसीसी में आपको ओबीसी का एक ही 27% का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन स्टेट कॉलेजों में अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप झारखंड को ले लीजिएगा तो झारखंड में ओबीसी नाम का कैटेगरी नहीं बल्कि उसके जगह पे बीसी1 और बीसी2, वही ओबीसी कैटेगरी को दो में बांट दिए हैं लोग, बैकवर्ड क्लास 1 कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास 2 कैटेगरी। उसी तरह बिहार में ईबीसी और बीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में बांटे हैं। तो स्टेट में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अलग होता है, सेंटर में अलग होता है। तो ये जो एमसीसी है ना, एमसीसी है वो स्टेट को नहीं सेंट्रल रिजर्वेशन को मानता है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए आपका 15% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए आपका 7.5% रिजर्वेशन रहता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपका 5% रिजर्वेशन है। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 27% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 10% रिजर्वेशन है। हाँ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अभी बता दे रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, काउंसलिंग में आपको जरूरत होगा, ठीक है। अब आता है आपका कि नीट काउंसलिंग प्रोसेस आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको वही बोले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको एमसीसी के वेबसाइट पर, अपना मोबाइल नंबर, नीट यूजी का रोल नंबर, वो सब डाल के। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है फी पेमेंट का। फी पेमेंट कितना लगेगा हम थोड़ा वीडियो के आगे हम बताते हैं, उसमें एक रिफंडेबल होता है, नॉन रिफंडेबल बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग क्या होता है, चॉइस फिलिंग मतलब आपको प्रिफरेंस के ऑर्डर में, मतलब इतना 380 के करीब आपका गवर्नमेंट कॉलेज है पूरा इंडिया में, तो अपने प्रिफरेंस के ऑर्डर में आपको जितना कॉलेज पसंद है 20, 25, 30, 100, 200 उसका प्रिफरेंशियल ऑर्डर में आपको चॉइस फिल करना होता है, ठीक है। प्रिफरेंशियल ऑर्डर में आप मतलब कि हाई रैंकिंग फिर लो रैंकिंग वाला कॉलेज आपके अनुसार, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है चॉइस लॉकिंग का। उसके बाद क्या होगा, अब सीट मतलब आपको चॉइस लॉकिंग के बाद आपको थोड़ा दिन, 2 या 3-4 दिन वेट करना होगा रिजल्ट के लिए कि आपको सीट अलॉट हुआ। तो आपके पास दो ऑप्शन, वेदर आपको सीट मिलेगा या फिर आपको सीट नहीं अलॉट हुआ होगा, दो ऑप्शन। तो ये यही प्रोसेस है कोई भी काउंसलिंग का, पहले रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, और फिर सीट आइदर अलॉट होगा या फिर अलॉट नहीं होगा। तो अब आपको हम बोले थे कि फी पेमेंट के बारे में कि पेमेंट कितना होता है। तो पेमेंट जो है आपका पेमेंट कितना करना होता है, तो याद रखिएगा स्टेट का पेमेंट अमाउंट अलग होता है। हर एक स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का पेमेंट अमाउंट स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग होता है, वो स्टेट खुद डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है उसका जो पेमेंट अमाउंट होता है, तो सबसे पहले उसमें दो तरह का अमाउंट होते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन फी और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये रजिस्ट्रेशन फी जो है आपका, ये रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं होता है, ये एमसीसी रख लेता है। तो इसमें ये नॉन रिफंडेबल होता है। और इसमें जो होता है आप कैटेगरी वाइज कितना लगता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये जो एमसीसी कितना लेता है आपका रजिस्ट्रेशन फी, 1000 रुपीज, कितना होता है 1000 रुपीज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन वही डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, सम टाइप ऑफ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 5000 रुपीज है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1000 रुपीज, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी 5000 रुपीज। इसमें सब कैटेगरी भी है, तो ये जनरल के लिए आपका 1000 रुपीज होता है, ठीक है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 500 रुपीज ही होता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये रिफंडेबल होता है, ये आपको बाद में कॉलेज मिलने के बाद रिफंड हो सकता है, ठीक है। विद क्राइटेरिया बताते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जनरल के लिए आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 10000 रुपीज होता है, कितना होता है 10000 रुपीज। और फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए, याद रखिएगा ये आप 2 लाख रुपीज देख के यहाँ आपको डरना नहीं है,
ये आप डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं है, ठीक है। तो एक बार आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कि ये कैसे है। ये वाला कहाँ गया, वेट, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे आपको लगता है रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो लगेगा, और एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फी फॉर जनरल कैटेगरी जो है और गवर्नमेंट के लिए, जनरल और गवर्नमेंट सीट के लिए, तो ये गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज़ होता है, ठीक है। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन फी फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिर्फ 500 रुपीज़ ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपको ज़्यादा आपको पूछना होगा, प्राइवेट के ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से जुड़े नहीं है अभी तक, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितना होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका 10,000 रुपीज़ होता है 10 के, और वही ओबीसी, एससी, एसटी, अदर कैटेगरीज के लिए 5,000 रुपीज़ होता है, जो कि रिफंडेबल हो सकता है, ठीक है। तो जनरल को कितना आपको जमा करना होगा, 11,000 रुपीज़, ठीक है, और वही ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 5,500 रुपीज़, ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो ये हो गया, तो अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे थे, ये हाँ, अब हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि ये अमाउंट देख लिया आप। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग राउंड वन में कैसे जा सकते हैं, तो ये आपका राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। तो राउंड वन का काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको वही राउंड वन में आपको सबसे पहले क्या होगा, अभी आपको बोले जैसे ही एक हफ्ता के अंदर एक आपका नोटिफिकेशन आएगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपको सारा डिटेल दिया होगा, तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है आपका नाम, मोबाइल नंबर और नीट यूजी रोल नंबर से। फिर आपको पेमेंट करना है, वही बोले अगर जनरल है तो 11,000 रुपीज़, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5,500 रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिफरेंशियल ऑर्डर में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा, प्रिफरेंशियल ऑर्डर में आपको कि आपको प्रिफरेंशियल ऑर्डर में चॉइस फिल करना है। उसके बाद आपको 2 से 3 एमसीसी 2 से 3 दिन का समय देता है, 2-3 डे का समय देता है कि आप दोबारा अगर आपको कुछ चेंज करना हो चॉइस में, ऊपर नीचे कॉलेजेस का ऑर्डर में, तो आप चेंज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन का आपको टाइम देता है चॉइस लॉकिंग करने का, ठीक है। तो उसके बाद आपको चॉइस फिल करने के बाद 2 से 3 दिन टाइम देगा चॉइस लॉक करने का। अगर आप मान लीजिए 2 से 3 दिन बाद चॉइस लॉक करना भूल जाएं तो क्या, तो आपका एमसीसी जो है और चॉइस को अपने ऑटोमेटिक लॉक कर देता है, ठीक है, 2 से 3 दिन बाद जब उसका डेट मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप 2 से 3 दिन टाइम ले लीजिएगा, सोच लीजिएगा, उसके बाद आप मतलब कि चॉइस लॉक करने जाइएगा, ठीक है। अब चॉइस लॉक आप कर दिए तो अब आपके पास काम खत्म हो गया, आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर ये भर दिए, तो अब आपको 1 या 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो अब आपका मान लीजिए राउंड वन का रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आपके क्या होगा, आपके पास 2 ही ऑप्शन बनेगा रिजल्ट राउंड वन में, आप पार्टिसिपेट किए और राउंड वन के बाद आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, तो वही या तो आपको सीट मिल गया होगा या तो आपको सीट नहीं मिला होगा, मतलब सीट अलॉटेड और सीट नहीं, मतलब राउंड वन में आपको सीट या तो अलॉट हुआ होगा या तो सीट नहीं अलॉट हुआ होगा। अब अगर सीट आपको अलॉट हो गया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन कि सीट अलॉट हुआ, आप जाके एडमिशन ले लीजिए, आप जाके क्या किए, आपने जाके एडमिशन ले लिया और क्या किया, आपने अपग्रेडेशन नहीं किया। तो अपग्रेड अगर, तो आप अगर सीट फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला और आप एडमिशन लिए तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप सीट को अपग्रेडेशन में डालें कि हम अब चाहते हैं वहां जाके, आप कॉलेज में बोलना होता है कि हम सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म मिलेगा, वहां पे फिल करके तो अपग्रेड कर सकते हैं। या तो आप बोलिए आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया राउंड वन में ही, आप बोले कि नहीं हमको राउंड वन में जो कॉलेज मिला हम बहुत संतुष्ट है, हमको कोई अपग्रेड अपग्रेड नहीं चाहिए, हम राउंड वन से में ही कॉलेज, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपग्रेड नहीं करना है, तो आप एडमिशन लिए राउंड वन में, आपको सीट मिला, आप एडमिशन लिए, उसके बाद आप बोले कि हमको नहीं अपग्रेड करना है, तो डू नॉट ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। अब दूसरा कि क्या है, आप क्या है, आप एडमिशन लिए, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा डाउटफुल हैं कि चलो नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन एक बार हम चांस लेना चाहते हैं कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं सेकेंड राउंड के लिए, तो आपको वहां पे एक अपग्रेडेशन का फॉर्म मिलता है, आपको वहां बोलना मिल जाएगा, आपको भर देना होगा और आपका ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड में जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और ऑप्शन होता है, आपको सीट मिला लेकिन आप
सीट आप गए ही नहीं वहाँ कॉलेज, कॉलेज में आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया तो इसको क्या होगा, इसको आपको क्या बोलेंगे, इसको फ्री एग्जिट। इसको फ्री एग्जिट क्यों बोल रहा है, मतलब आपको सीट मिला राउंड वन में लेकिन आप फ्री एग्जिट कर दिए। फ्री एग्जिट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपका जो 5,500 रुपीज का जो अमाउंट था, 5,000 या फिर जनरल के लिए 10,000 रुपीज, ये आपका जब्त नहीं होगा, ये रिफंडेबल होगा अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आपको फर्स्ट राउंड में दोनों हाथ में ही लड्डू होता है। आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिला, आप गए कॉलेज रिपोर्ट कर दिए, या आप अपग्रेड करवा लिए सेकंड राउंड में, हमको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है नहीं। दूसरा ऑप्शन कि आपको मिला कॉलेज लेकिन आप रिपोर्ट ही नहीं किए, तो उसको फ्री एग्जिट बोलते हैं। अब आता है वो स्टूडेंट का जिनको सीट फर्स्ट राउंड में मिला ही नहीं, नॉट अलॉटेड सीट मिला ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, अरे सीट राउंड वन में अगर नहीं मिला तो ऑब्वियस सा बात है वो राउंड टू के लिए जाएंगे। तो जिनको सीट अलॉट नहीं होगा वो स्टूडेंट राउंड टू के लिए काउंसलिंग में जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या हुआ। और हाँ, साथ साथ में आपका पैरेलली जो है राम, मतलब कि इसके पैरेलल में, ये तो ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रहा है, इसके साथ साथ आपका स्टेट का भी काउंसलिंग चलता है साथ साथ। तो आप लोग ये यहाँ से आप लोग ऑल इंडिया कोटा राउंड वन से आप लोग स्टेट के राउंड में भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन, आइदर आपको कॉलेज सीट अलॉट हुआ होगा, आपने अपग्रेड करवाया होगा, ठीक है, या फिर आपने मतलब कि सीट मिला, आप गए ही नहीं एडमिशन कराने, फ्री एग्जिट लिया, या फिर आपको सीट मिला ही नहीं, ऑल द केसेस में आप एलिजिबल होते हैं स्टेट कोटा के काउंसलिंग में। ठीक है, स्टेट कोटा का काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग में। बाकी ये स्टेट और ऑल इंडिया कैसे काम करता है, फिर अगर आप स्टेट कोटा से फिर ऑल इंडिया राउंड टू में भी जा सकते हैं, ऑल इंडिया राउंड टू से आप स्टेट कोटा का राउंड टू में जा सकते हैं, तो ये आपका जिगजैग मैनर में चलता है। ये दोनों को कंपाइल करके हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो अब चलते हैं, राउंड वन हो गया, अब देखते हैं कि राउंड वन राउंड टू कैसे होता है। एमसीसी काउंसलिंग का ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, एमसीसी काउंसलिंग का ही बात कर रहे हैं। तो ये राउंड टू में कैसे होगा, ठीक है, तो राउंड टू में अब आपका दो ऑप्शन है, आप वहां पे सीट अलॉट हुआ या सीट नहीं अलॉट हुआ। ठीक है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड टू में किनको करवाना होगा, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन स्टूडेंट को करवाना होगा जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। बस जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा सेकेंड राउंड में, बाकी किसी स्टूडेंट को नहीं करना होगा। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना होगा जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। ठीक है, अब नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, किसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट, जैसे आपको आइदर आपने मतलब कि कॉलेज मिला आपको और आपने रिपोर्ट नहीं किया, फ्री एग्जिट किया, या फिर वहाँ कॉलेज एडमिशन लेके आपने रिजाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा हु रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में आपको मतलब कि रजिस्ट्रेशन किए लेकिन आपको सीट नहीं मिला, मतलब आपको डीट मतलब सीट मिला ही नहीं लेकिन आप रजिस्ट्रेशन किए थे, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। तो आप बाकी सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाता है। ओनली थिंग आपको रिक्वायर्ड क्या हो, आपको जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता है, क्या करना होता है, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करना होता है आपको राउंड टू में, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना होता है, सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता है। जिसने राउंड वन में कि आपका नहीं किया होगा रजिस्टर उनको सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा राउंड टू में, और फ्रेश चॉइस फिलिंग दोनों को करना होगा। ठीक है क्या, अब ठीक है, अब चलते हैं राउंड टू का। तो आपने वही फ्रेश चॉइस फिलिंग किया, आइदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन से हो या आपने राउंड टू में, राउंड वन में रजिस्ट्रेशन किया था, राउंड टू में वापस आ गए। तो अब आते हैं राउंड टू का, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आया, तो वही फिर बात कि अब दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। जिन स्टूडेंट ने अप्लाई किया था राउंड टू, राउंड वन में कॉलेज मिला था, उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया, एडमिशन ले लिया और साथ में अपग्रेडेशन के लिए चुना। तो अब फॉर स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन के लिए चुने थे राउंड वन में, तो सबसे पहले जो है उनको राउंड टू में गॉट न्यू सीट, नया सीट मिला। ठीक है, तो जब भी आपको राउंड टू में आप राउंड वन में अपग्रेडेशन के लिए डालते हैं और राउंड टू में आपको नया सीट मिलता है, तो आपका जो पिछला वाला राउंड वन का सीट होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अब आप राउंड टू में आपको नया सीट मिला और आपका दो ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन लीजिए या तो आप एडमिशन नहीं लीजिए। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, याद रखिएगा, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं राउंड टू में, राउंड टू में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा कि अगर आप राउंड टू में एडमिशन कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं तो आप आगे किसी भी काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आगे आप किसी भी काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या, आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के, आप राउंड वन में अपग्रेडेशन के डाले थे, सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन सीट मिला लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए, तो क्या है, अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिलने के बावजूद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था जो 10,000 रुपीज और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5,000 रुपीज, वो अमाउंट जो होता है फॉरफिट हो जाता है। फॉरफिट का मतलब जब्त हो जाता है, वो आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फिर
तो यही है, आपके सीट मिला सेकेंड राउंड में लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जो एक आपने अपग्रेड करवाया था लेकिन आपको सीट नहीं मिला, तो आपने अपग्रेडेशन में डाला था लेकिन सीट अगर नहीं अलॉट हुआ नया सीट, तो आपका जो फर्स्ट राउंड वाला सीट रहेगा वो सेफ है, वो रिजर्व है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट राउंड वाला सीट अभी भी आपका रिजर्व है। नेक्स्ट आता है अदर स्टूडेंट का। अदर स्टूडेंट कौन है, देखते हैं आप सेकेंड राउंड में अदर स्टूडेंट कौन है। अदर स्टूडेंट सेकेंड राउंड में वो है जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जो जिन स्टूडेंट ने फ्री एग्जिट लिया था, मतलब फर्स्ट राउंड में पार्ट लिया था, उनको कॉलेज भी मिला लेकिन वो एडमिशन कराने नहीं गए, कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किए, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले सेकेंड राउंड के और फ्री एग्जिट वाले, तो यहाँ पे दो ऑप्शन बनता है, वही सीट उनको अलॉट हुआ या सीट अलॉट नहीं हुआ। अब जब सीट अलॉट हुआ तो उन्होंने या तो एडमिशन लिया होगा या तो एडमिशन नहीं लिया होगा। सीट अलॉट होने के बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हैं सेकेंड राउंड में, वही बोले कि अगर आप वही सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद अगर एडमिशन ले लेते हैं तो आप कोई भी फर्दर काउंसलिंग नहीं जा सकते हैं सेकेंड राउंड में। अब नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन कि वही आपको सीट मिला था, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो सीट नहीं लिया तो आपका वही होगा कि सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट आपका जब्त हो जाएगा, वो वापस नहीं होगा जो 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आपको सीट मिला ही नहीं, राउंड टू में भी आपको सीट नहीं मिला, मिला ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या जाना है, मॉपअप राउंड में जाना है। कहाँ जाना है, मॉपअप राउंड में, या फिर आप स्टेट का सेकेंड राउंड में भी जा सकते हैं, स्टेट का राउंड टू में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मॉपअप राउंड के बारे में हम देख लेते हैं। तो मॉपअप राउंड में क्या होगा, तो मॉपअप राउंड में पहले कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो याद रखिएगा इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन या नो रजिस्ट्रेशन, किनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जिनको सीट मिला था राउंड टू में और उन्होंने एग्जिट कर दिया, क्या कर दिया, राउंड टू में सीट तो मिला था लेकिन कॉलेज में एडमिशन कराने नहीं गए, एग्जिट कर दिए विथ फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो डिपॉजिट, तो वो स्टूडेंट जिनका सेकेंड राउंड में सीट तो मिला था लेकिन वो एडमिशन करवाने नहीं गए, तो उनको जो है फिर से मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ना राउंड वन में और ना ही राउंड टू में, ना ही राउंड वन में ना ही राउंड टू में मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया था, तो उन दोनों स्टूडेंट को आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा, किनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है मॉपअप राउंड में, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जिनको राउंड वन में भी सीट नहीं मिला, नॉट अलॉटेड, राउंड टू में भी सीट नॉट अलॉटेड, तो वैसे स्टूडेंट को आपको अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, उनका ऑटोमेटिकली वही रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। अब आता है कि आप रजिस्ट्रेशन कर दें, तो वही हर राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग तो करना ही होगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपका मॉपअप राउंड में क्या आया, रिजल्ट आया, ठीक है। तो जब मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया तो आइदर आपको सीट मिला या फिर सीट नहीं मिला मॉपअप राउंड में, ठीक है। तो अगर आपको सीट मिला मॉपअप राउंड में तो आपके पास दो ऑप्शन बनता है, भाई एडमिशन ले या नहीं ले, तो मॉपअप राउंड में आपको सीट मिला और आपने एडमिशन ले लिया, तो अगर एडमिशन ले लिया तो मॉपअप राउंड के बाद आप कोई भी काउंसलिंग में फर्दर कोई भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आपको आपने एडमिशन नहीं लिया, डिंट टेक एडमिशन, एडमिशन नहीं लिया, तो इसमें क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका जब्त हो जाएगा मॉपअप राउंड में, सीट मिलने के बाद अगर एडमिशन ले लेंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा, और आप नॉट अलाउड इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो याद रखिएगा मॉपअप राउंड में अगर आपको सीट मिल गया और आप सीट नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा, लेकिन आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप कहाँ जा सकते हैं, आप स्टेट कोटा स्टेट मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मॉपअप राउंड में भी सीट नहीं मिला तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप तब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं या फिर स्टेट का मॉपअप राउंड में भी आप काउंसलिंग में पार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मॉपअप राउंड के लिए। अब देख लेते हैं सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो आप याद रखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी न्यू स्टूडेंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। वही उन्हीं, तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड किस स्टूडेंट के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने जिन्होंने राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री एमए रजिस्ट्रेशन किया था और उनको ना राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री कोई भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है। तो ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु डिड नॉट अलॉटेड सीट इन एनी राउंड, राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं होता है। तो आप ऐसे अगर सोच रहे हैं आपका मार्क्स बहुत कम आया और आप सोच रहे हैं कि अरे हम सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डायरेक्ट जाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको जाना है तो फर्स्ट राउंड से आइए, ठीक है।
अब दूसरा क्या है कि कौन कौन अलाउड नहीं है वही दिखा रहा है, वही जिनको राउंड वन राउंड टू में सीट मिला, जिनको मॉपअप राउंड में सीट मिला, जिनको सीट मिला मॉपअप राउंड में, जिन्होंने मॉपअप राउंड को ज्वाइन भी कर लिया और नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपने किसी भी राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री में पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड में। तो स्टे वैकेंसी में अगर पार्ट करना है तो आगे आपको किसी राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। पहले हम बोले थे आपको लास्ट में कि आपको स्टेट राउंड और ऑल इंडिया का कैसे काम करता है साथ में, वो हम बता देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट एक मिनट वेट कीजिए, हाँ ये देख लीजिए कि ये आपका है कि वही। तो आपको बोले कि राउंड वन में आप रजिस्ट्रेशन किए, पेमेंट किए, चॉइस फिलिंग किए, चॉइस फिल लॉकिंग किए, रिजल्ट आया तो आपको वहाँ पे आइदर सीट नहीं मिला होगा या फिर सीट मिला होगा। तो आप किसी भी क्राइटेरिया में आप राउंड स्टेट कोटा के काउंसिलिंग में राउंड वन से जा सकते हैं। यहाँ पे अब मान लीजिए आप स्टेट काउंसिलिंग में गए, आपको वहां पे सीट मिल गया, सीट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीट रख सकते हैं और बोलेंगे हमको नहीं जाना है कहीं पे, हम खुश हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपको सीट मिला, आप बोले नहीं ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में जा सकते हैं, तो फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको स्टेट कोटा राउंड वन में कौन से कुछ सीट नहीं मिला तो भी आप जा सकते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा मतलब राउंड टू में, ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में। अब यहाँ पे आपका दो ऑप्शन बोले, आप आगे एलिजिबल तभी होंगे जब यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे। आपको यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में अगर सीट मिल जाता है और आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप आगे कोई भी काउंसिलिंग में नहीं जा सकते। लेकिन आपको सीट मिला लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया या फिर आपको सीट मिला ही नहीं तो आप स्टेट कोटा राउंड टू में जा सकते हैं, ठीक, यही बात है। सेकेंड राउंड में अगर आप कहीं एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मिला कॉलेज लेकिन एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको कॉलेज आपको आगे जा सकते हैं। राउंड टू से फिर आप स्टेट कोटा राउंड टू से चाहें तो मॉपअप राउंड में भी जा सकते हैं। तो ऐसे जिग जैग मैनर में चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही साथ साथ में आपका स्टेट राउंड भी चले, स्टेट कोटा भी चलता है और ऑल इंडिया कोटा भी जाता है, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। हाँ, हम समझते हैं कि आपका एक वीडियो में शायद डाउट नहीं खत्म हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट रहे तो बोले तो आप एक बार वीडियो को बैक करके एक बार फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर आपका फिर भी डाउट रहे इसमें, अगर आपका इसमें फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर लीजिएगा, उसमें से अगर हमको रिलेवेंट डाउट लगा तो पूछ लीजिएगा। साथ में आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ पे हम हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो रहा है, वहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर रहे हैं। और साथ में ऊपर जो है वहाँ पे पिंड कमेंट में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं चैनल को, अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको इसी तरह काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।